तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, करते हैं। कहते हैं एक लिफ्ट है, ये जो बॉक्स बनाया हूँ, ये जो बॉक्स है वो एक लिफ्ट है। तो अगर ये लिफ्ट है और इसका मास दिया हुआ अपन को 500, जो लिफ्ट है उसका मास है 500 kg। तो अगर ये लिफ्ट 500 kg का है और वो कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये स्पीड, ये वाली जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये दिस स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो अचानक से यहाँ पे जो स्ट्रिंग है या कुछ ऐसा हुआ, स्लिप हुआ, तो ये जो स्पीड यहाँ से 2 से आगे, अब एक्सलेशन जनरेट हो जाएगा और ये एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जनरेट हो गया। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर चलता है, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर चलता है, ये वाली जो चीज़ है ये 6 मीटर डिस्टेंस चलता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एट द एंड थ्रू 6, मतलब यहाँ पे ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड से आया, एक्सलेशन 0 था, यहाँ पे एक्सलेशन 0 नहीं है, तो सी पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सी पॉइंट पर तुम देखोगे तो हाफ मास और वेलोसिटी एट द पॉइंट सी का स्क्वायर, जो कि हमें पता ही नहीं है कि सी पॉइंट पर कितनी यहाँ पर स्पीड है, और यहाँ बी पॉइंट पर हमें स्पीड पता है 2 मीटर, 2 मीटर सब पे 2 मीटर है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं थर्ड इक्वेशन हमेशा लगा देता हूँ फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 AS लगा देता हूँ। फाइनल स्पीड बी सी का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड यू, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सलेशन 2 है और डिस्प्लेसमेंट 6 2 है, मतलब बी सी स्क्वायर माइनस 4 और इज इक्वल टू 12। यहाँ से तुम देखो तो 24, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर आ जाएगा 28। आ रहा समझ में? इतना मीटर पर सेकेंड से सी पॉइंट पर स्पीड होगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा सी पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट पे, तो हाफ मास, मास 500 और सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब भाई 28, तो 28 अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 28 कितना होगा मेरे भाई? तो ये आ जाएगा 7000 जूल। तो 7000 जूल यहाँ से ये वाला, या मैं इस 7000 जूल को मैं 7 किलो जूल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे पास इतना है तो यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो 7 किलो जूल भरा जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखो और मोटिवेटेड रहो। बाय बाय, टेक केयर।